वीडियो नहीं आ रहा था, तो वीडियो प्रॉब्लम हो रहा था, तो हाँ, उसमें तो, किट चेंज कर दिया आपका। हाँ, किट चेंज किया था फिर भी, लेकिन ये वर्टिकल साइज हाँ, नहीं ठीक कर पाया ना, नहीं ठीक कर पाया। तो आपका पुराना वाला किट कहाँ है? हाँ, इधर ही है, अच्छा, इसमें वीडियो नहीं आ रहा था, छोड़िए हम इसको, हम नहीं देखेंगे इसमें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस टीवी को किसी न्यू टेक्नीशियन के पास ले गया और उसने इस टीवी में न्यू किट इंस्टॉल किया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आप खुद देख सकते हो, इनका जो वर्टिकल साइज है ये ठीक नहीं है। कस्टमर भाई का कहना है कि उसने बहुत कोशिश किया पर इसका जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, वर्टिकल प्रॉब्लम, इसे ठीक नहीं कर पाए। चलिए हम कस्टमर भाई से पूछ लेते हैं, क्या हुआ था आपका टीवी में भाई? टीवी में वो ये नहीं आ रहा था, क्या बोला, वीडियो नहीं आ रहा था, तो वीडियो प्रॉब्लम हो रहा था, तो हाँ, उसमें किट चेंज कर दिया आपका। हाँ, किट चेंज किया था फिर भी, लेकिन ये वर्टिकल साइज हाँ, नहीं ठीक कर पाया ना, नहीं ठीक कर पाया। तो आपका पुराना वाला किट कहाँ है? हाँ, इधर ही है, अच्छा, इसमें वीडियो नहीं आ रहा था, छोड़िए हम इसको, हम नहीं देखेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसका प्रॉब्लम हम टीवी को बिना खोले हम ठीक करके आपको दिखाएं कि इसको किस तरह से ठीक करते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बिना खोले हम इसे ठीक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस टीवी को बिना खोले हम इसका सर्विस मोड ओपन करके इसको ठीक करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, इसको बिना खोले किस तरह से ठीक करना है तो हम ठीक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रिमोट ले लेते हैं दोस्तों, और ये है चाइना कलर टीवी, ठीक है? तो इस चाइना कलर टीवी का हम रिमोट ले लेते हैं, तो आप देख सकते हो उसको एक न्यू रिमोट भी दिया है, इस किट चेंज किया तो किट चेंज करने किट के साथ उसको एक न्यू रिमोट मिला है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम इसे, चलिए हम इसे किस तरह से ठीक करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सर्विस मोड खोलने के लिए एक होल है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर एक छेद है, तो यहाँ पर हम स्टिक ले लेंगे, एक कांठी ले लेंगे, और इस कांठी के द्वारा हम सर्विस मोड को ओपन करेंगे। चलिए आप टीवी पे भी ध्यान दीजिए, और हम यहाँ पर सर्विस मोड ओपन करते हैं, तो देख सकते हो आप फैक्ट्री लिखा आ रहा है, और फिर से मैं एक बार प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा, तो अब देख सकते हो यहाँ सर्विस मोड जो है ओपन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे, इस रिमोट का जो बटन है, तो इसका जो एक नंबर बटन है, मैं एक नंबर बटन को प्रेस करेंगे। अब प्रेस करने के बाद इसका जो वर्टिकल साइज में जो प्रॉब्लम है उसको हमको ठीक करना है। तो अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एच फेज लिखा हुआ है और वर्टिकल साइज भी लिखा हुआ है, तो हम वर्टिकल साइज देखते हैं, तो यहाँ पर जीरो है, ठीक है? चलिए हम वर्टिकल साइज पर जाते हैं, तो वर्टिकल साइज आप देख रहे हो जीरो है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकल साइज को ठीक करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हम इसका जो वॉल्यूम बटन है प्लस माइनस, तो हम प्लस को प्रेस करेंगे, और देख सकते हो ये वर्टिकल साइज धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, ठीक है? चलिए हम इसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको सेम टू सेम रखेंगे, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है? तो मैंने इसका जीरो था, तो मैंने इसका जो वर्टिकल साइज था 38 कर दिया, 38, ठीक है? अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हम स्टिक लेंगे और इसका सर्विस मोड से बाहर निकलेंगे, ठीक है? कि ये ठीक हुआ, एडजस्ट ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है? तो चलिए हम स्टिक ले लेते हैं, और इसका हम जो सर्विस मोड है, सर्विस मोड से हम बाहर निकल जाते हैं। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए आपको मेनू बटन दबा के आपको दिखा देता हूँ, तो ये साइज़ जो है एकदम नॉर्मल साइज हो गया है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।